एडवोकेट पप्पू कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू कुमार, आज मैं बात करूंगा कोविड-19। एक कोरोना एक ऐसी महामारी है, एक ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया को एक अलग तरीका से जीने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन आज एक मैं अलग चीज़ बताने जा रहा हूं जो पूरी दुनिया को खेलने पर भी मजबूर कर दिया है। अब ये मजाक है या फिर हकीकत, ये सब आप लोग तय करेंगे। अभी ICC ने महिला क्रिकेट टीम में ऐलान किया है कि कोरोना को देखते हुए, कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए 9 लोगों से क्रिकेट टीम में उतरेंगे, 9 लोग खेलेंगे। यानी कि बहुत बड़ा फील्ड है और उसमें 11 लोग खेलते थे, उसमें 2 लोग को कम कर देने से क्या कोरोना भाग जाएगा? क्या कोरोना ख़त्म हो जाएगा? क्या लग रहा है, ये कोई मजाक है? बिल्कुल यह एक मजाकिया से कम नहीं है। जब कोविड-19 का इतना ही प्रभाव है तो या तो मैच को रद्द करें या फिर मैच को पूरा करने के लिए 11 टीम में लोग होते हैं, 11 लोग खेले। अब खेल की प्रथा को ही बदल दिए, एक नए गाइडलाइन लॉन्च कर दिए और कोविड के प्रभाव में वह खेल का सारा रुख बदल दिए। कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जो पूरी दुनिया को एक अलग तरीका से जीने पर मजबूर किया है, लेकिन खेलने को मजबूर, ये कहीं ना कहीं मजाक है। अब हम कहेंगे कि आप 4 रोटी खाते हैं कोरोना के समय, आप 3 रोटी खाइए, कोरोना नहीं लगेगा। अब यही है, अब इतने बड़े फील्ड में 11 लोग खड़े होते हैं, वहाँ पर 9 लोग खड़े होंगे तो कोविड-19 नहीं होगा, इसका क्या तात्पर्य है? कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए 9 लोगों का खेल करना, 9 लोगों से क्रिकेट खेलना, यह सिर्फ मजाक है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए और खेल के नियमों के लिए। तो चलिए देखते हैं कोविड-19 के प्रभाव से अभी जीवन शैली में कितना और बदलाव करना पड़ेगा। ऐसे मैं दोनों वैक्सीन लगवा चुका हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।